सवाल ईशा की तरफ अपने रोल के बारे में। रोल के बारे में मैं इसमें डायना हेडन के हस्बैंड का रोल कर रहा हूँ, और ये एक ऐसा रोल है जो मैं हमेशा से एक दिमाग में रहता है कि इस तरह का रोल करना चाहिए। और जब मैं मॉडलिंग करता था, मैं फिल्में देखता था इस तरह की, और मुझे जब भी इस तरह की फिल्में देखता था तो मुझे लगता था अगर ऐसा कोई कैरेक्टर करने को मुझे मिलेगा तो बड़ी खुशी होगी और बड़ा मज़ा आएगा करने में। और मेरे करियर के बिगनिंग में मुझे इस तरह का कैरेक्टर करने को मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने पूरी कोशिश करी है इसको करने की। देखिए अब जिस ये फिल्म का हीरो भी है और ये फिल्म का विलन भी है, जो चीज़ जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है मेरे लिए। और जब ये हीरो है तो बड़ा अच्छा है, जब ये विलन है तो बहुत ख़राब इंसान हो जाता है, तो वही चीज़ इस कैरेक्टर के अंदर है, इस ग्रे शेड। तो दोनों कैरेक्टर है, सताता भी है, प्यार भी करता है, और आप देखेंगे तो आपको लगेगा वाकई ये कैरेक्टर बड़ा, उसे लोग अच्छा भी बोलेंगे और सेम टाइम वो बहुत बुरा कैरेक्टर भी है। बस का मतलब यही है, जब आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा जो भी चीज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर आपको लगता है कि नहीं यार बस, अब बस इट्स इनफ, इससे अगर ज़्यादा हुआ तो मैं परेशान हो जाऊँगा या किसी को या सामने वाले। इसके कई मीनिंग होते हैं अब बस के, जैसे कोई ज़्यादा सामने वाला आपको परेशान करता है, उससे परेशानी आप एक लिमिट तक बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद बोलते हैं इट्स इनफ नाउ, अब बस। और या कुछ आपके पास कुछ ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, आप बोलते हैं यार अब बस यार, अब नहीं करूँगा मैं, तो ये बहुत सारे मीनिंग हैं। आप लोग जब फिल्म देखेंगे तो आप खुद पता करिएगा कि ये कौन से उसमें फ़िट होता है, कौन सी कैटेगरी में फ़िट होता है। बहुत मज़ा आया ये फ़िल्म करने में, डायना के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा, और जो मेरे प्रोड्यूसर हैं राजू मवानी, जगदीश सोडा साहब और राजेश सिंह, इन्होंने बहुत हेल्प करी मुझे, क्योंकि मैं न्यू कमर हूँ इस इंडस्ट्री के अंदर, तो इन्होंने सब ने मेरी हेल्प करी, और उसी वजह से मुझे इतना कंफर्टेबल हो गया था मैं रोल करने में कि मुझे बड़ा मज़ा आया वो रोल करने में। नहीं, बल्कि इसकी स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रांग है, और जो स्क्रिप्ट है आप इस फिल्म को किसी से रिलेट नहीं कर सकते, किसी ये नहीं लगेगा अरे यार ये फिल्म उसकी तरह है, तो इसकी फिल्म की कहानी उससे मिलती है, बिल्कुल डिफरेंट सी कहानी है, अलग कहानी है, और अपनी हिंदी सिनेमा के अंदर इस तरह की कहानी अभी तक दर्शाई नहीं गई, फिल्माई नहीं गई, तो ये पहली बार होगा कि एक मतलब आपके सोसाइटी के लिए जो मैसेज है, इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ख़ास तौर से औरत के लिए, तो मेरे हिसाब से सारी लेडीज़ हैं सब इस फिल्म को देखेंगी, और उन्हें देख के एक लगेगा कि हाँ एक हम लोग, उन लोगों को ये फिल्म देखने के बाद लगेगा कि हम लोग मर्दों की जो भी ज्यादतियाँ होती हैं एक हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके बाद हम लोगों को स्ट्रांग होना चाहिए और उनसे फाइट करना चाहिए। म्यूज़िक तो आप देखिए, म्यूज़िक तो उसका मुझे बहुत ही पसंद है और बड़ा अच्छा लगता है म्यूज़िक, और फिल्म के अंदर म्यूज़िक होना बहुत अच्छा म्यूज़िक होना एक फ़िल्म को बहुत फ़ायदा देता है और बहुत सपोर्ट करता है। और इस फिल्म का भी USP है, आपको कह सकते हैं कि इसका म्यूज़िक जो बहुत अच्छा है, डब्बू मलिक ने बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है, और आपके इसका जो प्रमोशन हो रहा है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है, और सारे गाने इसके ऐसा नहीं है कि कोई सा भी एक दो गाने अच्छे हैं या दो ख़राब हैं, इसके जो पांच गाने हैं पांचों बड़े ही अच्छे हैं, और जिन पिक्चराइज़ किया हम लोगों ने बैंकॉक के अंदर उसे बड़े अच्छे से पिक्चराइज़ किया।